नमस्कार। आमतौर पर सभी के घरों में कैलेंडर मिलते हैं, लेकिन उन कैलेंडरों का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ तारीख देखने के लिए करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम कैलेंडर में तरह तरह की गेम्स भी खेल सकते हैं। चलो आइए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने एक मंथ का कैलेंडर यहाँ पे चिपकाया है और इसके साथ हम तरह तरह के खेल खेलेंगे। मेरे पास ये एक 3x3 की ग्रिड है। इस ग्रिड को हम इस कैलेंडर पर कहीं भी 3x3 खानों में रख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ। इधर को भी तीन और इधर को भी तीन कॉलम्स हैं जो हमने इस ग्रिड में कवर किए हैं। ये अपने आप में बड़ा मनोरंजक एक खेल है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, 10 और 12 यदि इनको हम प्लस करेंगे 22, यह बीच वाले नंबर का दोगुना होगा 11 × 22। इसी प्रकार से यदि हम यहां देखेंगे 24 और 26 50, यह बीच वाले नंबर का दोगुना होगा 25 × 50। ना केवल इस लाइन में, यदि हम इस प्रकार भी देखेंगे 10 और 24 34, यह बीच वाले नंबर 17 का दोगुना होगा। यहाँ पर 12 और 26 38, यह बीच वाले नंबर 19 का दोगुना होगा। यही नहीं, यदि आप डायगोनल भी देखेंगे तो 10 और 26 36, यह बीच वाले नंबर 18 का दोगुना होगा। और 12 और 24 36, यह भी बीच वाले नंबर का दोगुना होगा। आइए अब हम एक और ग्रेड देखते हैं। हमारे पास यह 2x2 की ग्रिड है। यदि हम इसे कहीं भी कैलेंडर में कहीं भी हम इसे रख सकते हैं। मान लीजिए इसे मैं यहां रखता हूं, तो मेरे पास जो ग्रिड आएगी, अब इनमें हम देखेंगे इन दोनों को डायगोनली यदि हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो सम आएगा वो बराबर आएगा 5 और 13 18, और इसी प्रकार से 6 और 12 18। इसको हम यदि यहां रख देंगे तो 17 और 25 42, 24 और 18 भी 42। इस प्रकार से अलग अलग तरह की 4x4, 3x3 की ग्रिड्स बना बनाकर हम इनसे तरह तरह की गेम्स खेल सकते हैं, सीख सकते हैं। और आप देखेंगे कि कैलेंडर में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स फॉलो होते हैं। जैसा कि ये भी एक पैटर्न है, इसे हम किसी भी पूरी एक लाइन पर रख सकते हैं जो पूरी लाइन होगी। मान लीजिए इसे मैं यहाँ रखता हूँ, अब आप देखेंगे इन सभी नंबरों को यदि जोड़कर इनकी एवरेज निकाली जाएगी तो वह बीच वाला नंबर 25 ही आएंगे। इस प्रकार से कैलेंडर में अलग अलग तरह के पैटर्न्स हम बना सकते हैं और इस प्रकार की 2x2 की, 3x3 की या लंबी ग्रिड्स को बनाकर हम अलग अलग तरह के खेल कैलेंडर में खेल सकते हैं।